अब बात करते हैं श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले राज्य मंत्री नागरिक उड्डयन जनरल वीके सिंह से न्यूज 18 की खास बातचीत हुई। वीके सिंह ने कहा है कि अयोध्या में श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार हो सकता है। यात्रियों की संख्या देखकर नया टर्मिनल या मौजूदा टर्मिनल के विस्तार का फैसला होगा। एयरपोर्ट पे आते ही देश विदेश के यात्रियों को प्रभु श्रीराम की नगरी का आभास होगा। एयरपोर्ट के इंटीरियर पर खास फोकस किया गया है। दीवारों पर चित्रकारी की गई है। प्रभु श्रीराम और हनुमान जी की गाथा बयां करेगी। देखिए, हर एयरपोर्ट खासकर जब से हमारी सरकार आई है, एक इस चीज़ पर विशेष ध्यान दिया गया है कि उस एयरपोर्ट से उस प्रदेश की, उस जगह की आपको लगे कि आप वहाँ पर हैं। नहीं तो एक टाइम था जबकि एयरपोर्ट बनते थे, चाहे एयरपोर्ट बम्बई में है चाहे कहीं और है, देखने में सब एक जैसे लगते थे। आप यूरोप में कहीं वो भी वैसा ही लगता था। तो अब कोशिश की गई है और इसके ऊपर खासकर मैं ये कहूँगा कि हमारे अब जो मंत्री हैं सिंधिया जी, उन्होंने काफ़ी इस पे ध्यान दिया है। जो भी एयरपोर्ट का टर्मिनल बने उसके अंदर से उस प्रदेश की, उस जगह की छवि या महक आनी चाहिए। क्या इस एयरपोर्ट में आधुनिकता के साथ साथ अयोध्या की आत्मिकता और वहाँ की संस्कृति का भी झलकेगी? बिल्कुल झलकेगी। और इसके अंदर मैं कहूँगा कि सिंधिया जी ने काफ़ी मेहनत की है और उस पर विचार विमर्श हुआ है और उसके ऊपर जिस तरीके से चित्रकारी और अंदर का जो साज सज्जा है उसके ऊपर उसी के अनुरूप चीज़ें की जा रही हैं, ताकि जब यात्री को आए उसको लगे कि मैं एक ऐसी अयोध्या में आया हूँ जहाँ 500 साल के बाद भव्य मंदिर बना। नव अयोध्या, भव्य अयोध्या, इस थीम पर अयोध्या को सजाया जा रहा है। एक सनातन की वैश्विक नगरी बनाई जा रही है। इसको देखते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्षमता क्या है और आगे आने वाले दिनों में जाहिर है कि यहाँ की यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, तो उसको लेकर क्या प्लानिंग है? देखिए, योजना बहुत सिंपल है। अभी हमने जो टर्मिनल बनाया है उसकी एक कैपेसिटी रखी गई है। आने वाले दिनों में इंटरनेशनल ट्रैफिक को देखते हुए, डोमेस्टिक ट्रैफिक को देखते हुए, हमें लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी उसके बढ़ाने के लिए। वो हम इस टर्मिनल को आगे और बढ़ाएं या एक नया टर्मिनल बनाएं, उसके ऊपर योजना के हिसाब से सोच विचार चल रहा है। और मुझे आशा है कि जैसे ही हम पहले आंकड़े देख लेंगे एक साल के, उसके बाद हमें जायजा हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, उसके हिसाब से हम उसको बढ़ाते जाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर चल रही सियासत के बीच में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने विवादास्पद बयान दिया है और संजय राउत ने कहा है कि यूपी में बीजेपी की सत्ता है और लगता है कि बीजेपी ने राम को किडनैप कर लिया है। तो संजय राउत की तरफ से एक विवादित बयान दिया गया है और संजय राउत ने कहा है कि यूपी में बीजेपी की सत्ता है और लगता है कि बीजेपी ने राम को किडनैप कर लिया है। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से इससे पहले भी विवादित बयान सामने आए और अब शिवसेना के नेता संजय राउत की तरफ से एक बड़ा बयान और विवादित बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि लगता है कि बीजेपी ने राम को किडनैप कर लिया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हम क्या बैठे हैं क्या इनविटेशन का इंतजार करके? जब उनका बीजेपी का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो हम जाएंगे रामलला का दर्शन करने। बीजेपी कौन होती है रामलला का इनविटेशन देने वाली? भगवान खुद बुलाता है अपने भक्तों को और भक्त खुद पहुंच जाते हैं भगवान के दरबार में। और बात कर लेते हैं, आचार्य परमहंस ने भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर सियासत कर रहे लोगों पर हमला किया है। तो विरोधियों पर ये लग रहा है कि भाई जनता के बीच तो पहले ये गुमराह कर लेते थे
कि भारतीय जनता पार्टी जो है केवल मंदिर बनाने का झांसा दे रही, बना नहीं रही है। अब जब मंदिर बन गया है और रामलला जो है अपने मंदिर में प्रतिष्ठित होने जा हो गई है, उसकी तैयारियां पूरे देश में जोर शोर से चल रही हैं, उसमें जो है अब इनको पीड़ा हो रही है, इनको लग रहा है कि जनता का रुझान जो है तो राम की ओर है, क्योंकि देश यह देश प्रभु श्री राम का देश है, और जो राम विरोधी हैं उनको समझ लेना चाहिए कि राम का विरोध करके कोई राजनीति में सफल नहीं हो सकता है। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।